वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के एक ऑलराउंडर प्लेयर श्रीकर भरत के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीकर भरत के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि श्रीकर भरत का रियल नेम है कोना श्रीकर भरत, वहीं इनका निकनेम है के एस भरत। श्रीकर भरत का जन्म 3 अक्टूबर 1993 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था और 2021 के अनुसार से यह फिलहाल 28 वर्ष के हैं। यदि बात करें इनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो श्रीकर भरत का राशि चक्र चिन्ह है कुंभ राशि। वहीं दोस्तों, बात करें इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो श्रीकर भरत का हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीकर भरत के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि श्रीकर भरत के पिता का नाम श्रीनिवास राव है, वहीं इनकी माता का नाम श्रीमती कोना देवी है, जो कि हाउस मेकर हैं। दोस्तों, यदि बात करें श्रीकर भरत के मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि श्रीकर भरत मैरिड हैं, वहीं इनकी पत्नी का नाम अंजलि है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीकर भरत की एक बहन भी है, जिनका नाम है मनोगना लोकेश। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीकर भरत की शुरुआती डोमेस्टिक कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि श्रीकर ने 10 वर्ष की आयु से ही क्रिकेट को समझना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें क्रिकेट को समझ और रुचि तब आई जब इनके पिता ने आंध्र प्रदेश के लिए एक मैच में इन्हें बॉल बॉय के रूप में शामिल करवा दिया। वहां से श्रीकर ने अपने क्रिकेट की रुचि दिखाई और इसे ही अपने कैरियर बनाने को देखा। देखने लगे। 12 साल की उम्र में इनके कोच जे कृष्ण राव जी ने एक ट्रायल के दौरान इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज बनने की सलाह दी। श्रीकर भरत ने अंडर 13 से लेकर अंडर 19 आंध्र प्रदेश टीम के लिए भी क्रिकेट खेला। 19 वर्ष की उम्र में श्रीकर भरत ने आंध्र प्रदेश के लिए 20 फरवरी 2012 को अपना लिस्ट ए डेब्यू किया। यह मैच विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2012-2013 के रणजी ट्रॉफी मुकाबले में प्रथम श्रेणी में अपना डेब्यू आंध्र प्रदेश के लिए श्रीकर भरत ने किया। इन्होंने अपने डेब्यू के में केरला के लिए दोनों पारियों में 8 और 38 रन बनाए और विकेट कीपर के तौर पर 3 कैच भी लिए। 2014-15 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान श्रीकर भरत ने गोवा के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलते हुए 13 शतक जमा दिया और ऐसा करने वाले वह पहले विकेट कीपर बल्लेबाज भी बन गए। भरत ने 311 गेंदों में 308 रन बनाए, जिसमें 38 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इसी वर्ष आईपीएल चयनकर्ताओं की नज़र इन पर पड़ी और दिल्ली की टीम ने श्रीकर को उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये देकर अपने टीम में शामिल कर लिया। हालांकि उन्हें उस वर्ष खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन दोस्तों, वर्ष 2020 में आईपीएल के लिए श्रीकर को बेंगलोर की टीम ने 20 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इन्हें 2021 आईपीएल में 20 सितंबर 2021 को अबू धाबी में अपना डेब्यू मैच खेलने के लिए मौका मिला। इनका पहला मैच कोलकाता के खिलाफ था। हालांकि बेंगलोर यह मैच बड़े अंतर से हारी, लेकिन भरत की छोटी पारी ने इनके काबिलियत को दर्शा दिया। लेकिन दोस्तों, श्रीकर एक विस्फोटक बल्लेबाज है। इन्होंने हाल ही में बेंगलोर के लिए लास्ट बॉल पर मैच जिताने वाली पारी भी खेली है। दोस्तों, यदि बात करें श्रीकर भरत के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि श्रीकर का हाइट है करीब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच, वहीं इनका वजन है करीब 65 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीकर भरत के नेटवर्थ के बारे में। तो आपको बता दें कि श्रीकर भरत का नेटवर्थ है करीब 2 करोड़ रुपये सालाना। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो श्रीकर भरत के पास एक टाटा सफारी कार है। तो दोस्तों, यह थे श्रीकर भरत के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।